दादी माँ के चैनल में प्यार भरा नमस्कार। दादी माँ के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज कढ़ाई पनीर। तो जिसके लिए मैंने दो प्याज मोटे मोटे काट लिए, दो टमाटर मैंने काट लिए और कोई 20 से 25 कलियाँ मैंने लहसुन की काटी, एक इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का काटा, तीन मिर्चें मैंने छोटी छोटी काटी, तीखी मिर्च है ज़्यादा, और एक प्याज मैंने मीडियम साइज में काट लिया बारीक, और ये लिए हमने काजू। तो मैं इनको फ्राई करती हूँ। रख दी है, अब मैंने इसमें एक चम्मच तेल डाला हुआ है, बड़ी चम्मच एक चम्मच तेल डाली मैं। अब इनको अभी को थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें जीरा। जीरा हमारा चटकने लग गया। काजू मैं छोड़ लिए थे, छोटे छोटे कर लिए थे, मैं अब मैं इसमें काजू भी बीच में डाल दूंगी। थोड़ा सा डालूंगी मैं नमक, क्योंकि नमक से है ना टमाटर जल्दी पक कर जाते हैं। दो से तीन मिनट में सिम गैस पे पकाऊंगी। मसाला पक चुका है ये सारा, टमाटर वगैरह अब मैं इसको ठंडा करने के लिए निकाल रही हूँ। गर्म होगी मैं डाली हूँ इसमें बड़ा एक चम्मच तेल, एक चम्मच बड़ा चम्मच डाली हूँ तेल इसमें, क्यों मसाला पकाना है ना। तो मैं पहले डालूंगी बड़ी इलायची, गैस को मैं लो रखूंगी मीडियम लो पे, ज़्यादा तेज नहीं गैस करूंगी। उसमें डालूंगी मैं दालचीनी थोड़ी सी, दो से तीन में तेज पत्ते डालूंगी मीडियम लो पे, तेज गैस नहीं करेंगे, तेज गैस करेंगे मसाले हमारे जल जाएंगे सारे। आधी चम्मच डालूंगी मैं हल्दी, आधी चम्मच डालूंगी मैं मिर्च, आधी चम्मच डालूंगी मैं धनिया पाउडर। सारे टमाटर प्याज अदरक लहसुन वो मैं अब गिर रही हूँ। चलो गैस में सिम रखूंगी, ज्यादा तेज गैस नहीं रखूंगी। तो इसको है मसाले को कम से कम एक से डेढ़ मिनट में झाक के पकाऊंगी, इसको ढक के पकाना। अच्छी तरीके से पक चुका है, तेल छोड़ गया मसाला, पानी डालूंगी कोई इसमें एक से डेढ़ गिलास पानी डालूंगी। ग्रेवी अपने मन पसंद की रख सकते हो, जितनी आपको जरूरत हो उतनी ग्रेवी रख सकते हो। मैं डालूंगी इसमें पनीर मसाला, गरम मसाला वो डालूंगी, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, ज़्यादा नमक नहीं, क्योंकि पनीर में ज़्यादा नमक स्वाद नहीं लगता, अगर नमक चटक हो जाए तो पनीर का स्वाद बिगड़ जाता है। हम इसको ढक के पकाएंगे कम से कम दो मिनट। सलाह और बताऊंगी, जैसे अपने पास बटर नहीं है तो अपने सोचते बटर नहीं है तो अपना पनीर कैसे बनेगा कढ़ाई पनीर,
तो जैसे अपने घर में दूध की मलाई उतारते हैं ना, उसी मलाई को आप ले लो 2-3 चम्मच और अपने कटोरी में डाल के चम्मच से फेंट लो, तो ये बिल्कुल करके बटर जैसा बन गया ये दूध डालने के लिए। ठीक है, कई बार कहते हैं बटर है नहीं तो क्या डालूँ, कैसे करूँ, कई बार ये सोचते रह जाते हैं घर में कि ये चीज़ नहीं है तो कैसे बनाऊँ, ये चीज़ नहीं है तो कैसे बनाऊँ। ये देखो बिल्कुल करके मक्खन जैसा बन गया ये, है जैसे अपने मक्खन तैयार होता वैसे ही तैयार हो गया ये बिल्कुल करके। अब ये अपने डाल दें, पक चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी पनीर, थोड़ा थोड़ा करके पनीर एक साथ नहीं डालें क्योंकि ग्रेवी छींटा निकलेंगे आराम से। अब इसको कम से कम है ना 2-3 मिनट में और ढके पकाएंगे, जो मक्खन मैंने बनाया मैं इसी में है इसको ऐड कर। अब सिम गैस करके कम से कम 2-3 मिनट इसको पकाएंगे, गैस ज़्यादा तेज नहीं रखनी, मीडियम लो पे गैस रखनी है और आराम से 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे मैं इसको। तैयार हो गई, ये देख लो बहुत ही बढ़िया बनी, बहुत ही अच्छा कलर आया। ठीक है, ये देखो बनके तैयार, कढ़ाई पनीर बनके तैयार हो गया। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब तो फ्री में होता है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। तब तक के लिए दादी माँ की तरफ से नमस्कार और थैंक यू।